कृष्ण बायोलोजी तो आज आम डिस्कस करवा बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाबद जो मैंने नुआक मो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करूँ भिडियो की संपूर्ण भाव में देखु सहित लाइक और सेयार करने को भूलं ना तो आसतु आज टॉपिक बाबद डिस्कस करवा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाबद जी कह नोमेनक्लेचर मीन्स टू गिव नेम गोटे ऑर्गेनिज्म को हमें नेम दवा से नोमेनक्लेचर बायनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स है मैंने दीटा शब्द रोथा दीटा वर्ड रोथ्व से प्रकार नेमिंग सिस्टम को हमें कौन कही था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तेना आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म्स आर सब्जेक्ट टू ए फॉर्मेट ऑफ टू वर्ड्स नेमिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तेनाली कह जाए दीटा वर्ड नेमिंग सिस्टम रही है तो हमें एग्जांपल थ्रू रे बुझा तेणु ऑर्गेनिज्म्स आर सब्जेक्टेड टू ए फॉर्मेट ऑफ टू वर्ड्स नेमिंग सिस्टम कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम टा को प्रपोज करते सी लिनियस बा कार्लोस लिनियस इन 1753 इन हिज बुक स्पेसिस प्लांटरम बही जो स्पेसिस प्लांटरम से इन 1753 रे पब्लिश करते प्रपोज करते तेणु ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे केते सारा रूल रही केते सारा एक्सेप्टेड नॉर्म्स रही तो से एक्सेप्टेड नॉर्म्स रूल्स थ्रू रे कौन करा जाए ना बायनोमियल नोमेनक्लेचर करा जाए। तो प्रथम रूल बाबद जब हम देखा बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर टा इंडिपेंडेंट होता है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो मैंने बॉटनिकल नोमेनक्लेचर मीन्स प्लांट रो जो नेमिंग सिस्टम करा जाए सेटा माने कोन इंडिपेंडेंट फ्रॉम जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जूलॉजी रो माने एनिमल को जेते बेले नेमिंग दिया जाए एनिमल रो नेमिंग एवं प्लांट रो नेमिंग सिस्टम टा माने दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। एवं सेकंड रूल बाबद जदि कहबा इज ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन वैलिड नेम ओटी ही वैलिड नेम रहबो जे आज जे साइंटिस्ट ये प्रकार ना दे आज जे साइंटिस्ट आ गोटे प्रकार ना देवे से सेम सेमती हो पारे गोटे जो ऑर्गेनिज्म रो ना रही गोटे ही वैलिड साइंटिफिक ना रही जोटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर थ्रू रे। एवं थर्ड जी कह साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स वन इज द जेनेरिक नेम एंड सेकंड वन इज द स्पेसिफिक एपिथेट बा स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम इज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक नेम विथ ए स्मॉल लेटर जितेबाला दुटा वर्ड गोटे दुटा वर्ड जो सिस्टम आम कहलु बायनोमियल सिस्टम जो कहलु बाय मीन्स टू तेणु दुटा वर्ड जो रहा तेणु गोटे प्रथम वर्डटा है कौन ना जेनेरिक नेम को बुझाए आ गए सेकेंड वर्डटा से स्पेसिफिक एपिथेट को बुझाए तेणु विदाउट जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट इज मीनिंगलेस। तेणु जेनेरिक नेम को जदि आम छाड़ीद केवल जो स्पेसिफिक एपिथेट लिखिद ना बुझीज ना तेणु बहुत रिक्वेड जेनेरिक नेम को एमती मन कर लिखिदेपर ताले मे भी बुझी हे बट स्पेसिफिक एपिथेट विदाउट जेनेरिक नेम दैट इज मीनिंगलेस। तेणु जेनेरिक नेम लिखला बेले इट स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर एवं स्पेसिफिक नेम लिखला बेले आम स्मॉल लेटर लिखि था। देन फोर्थ रूल्स बा नॉर्म्स बाबद जब कह साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज प्रिंटेड इन इटालिक्स जो आम कौन फॉर्म जो प्रिंट करछु बा कंप्यूटर में टाइप करके प्रिंट करछु सेतेबेले ताको आम इटालिक्स कर परिबा मीन बाय हैंड आम समस्ते इटालिक्स तो लिखि परिबानी तेणु से केस रे कौन करा जाए ना जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेपरेटली अंडरलाइन करा जाए जेतेबेले आम हाथ में लिखु। देन फिफ्थ रे जदि कहबा नेम्स आर ऑलवेज इन लैटिन लैंग्वेज रे सब बेले नेम टा को लिखा जाए कौन पे ना बिकॉज़ इट इज ए कंसाइज एंड प्रिसाइज एंड स्विच टू द नीड ऑफ ए डिस्क्रिप्टिव फेस ऑफ द नेचुरल साइंसेस तेणु नेचुरल साइंसेस पे इट इज माने माने सहज होता है डिस्क्रिप्शन करने कंसाइजली आम लिखिपर प्रिसाइजली आम लिखिपर तो से लैटिन लैंग्वेज को विशेष करके मैंने लैटिन लैंग्वेज को ही यूज कराए बायनोमियल नोमेनक्लेचर केस ऑल नेमिंग सिस्टम केस लैटिन लैंग्वेज ही बेसिकली यूज कर था। देन सिक्स कह साइंटिफिक नेम इज फॉलोड बाय द ऑथर्स नेम ऑथर नेम को लिखा जाए आइदर इन फुल और इन एब्रिविएटेड फॉर्म दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी इट इज ऑलवेज रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट लिखा जाए एवं ना लिखि सारापर दुटा वर्ड लिखि सारापर जेनेरिक नेम एवं स्पेसिफिक नेम लिखि सारापर अथर ना लिखा जाए
ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଲ ସବୁ ବା ନର୍ମ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଯେ ମେଞ୍ଜିଫେରା ଇଣ୍ଡିକା, ତା ମାନେ ଆମ୍ବର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନାହିଁ, ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର, ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଜୁଲୋଜିକାଲ ନେମ୍, ଜୁଲୋଜିକାଲ ନେମ୍ ଠାରୁ ଇଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଯଦି କହିବା ଯେ ଇଏ ଆମ୍ବର ହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଲିଡ୍ ନେମ୍, ତେଣୁ ମେଞ୍ଜିଫେରା ଇଣ୍ଡିକା କହିବା ମାନେ ଏ ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ରେ ଦୁଇଟା ଏପିଥେଟ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଏପିଥେଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜେନେରିକ୍ ଏପିଥେଟ୍ ବୋଲି କହିଲେ ମେଞ୍ଜିଫେରା, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ଏପିଥେଟ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ମେଞ୍ଜିଫେରା ଆଉ ଇଣ୍ଡିକା ଇଏ ହେଲା ଜେନେରିକ୍, ମେଞ୍ଜିଫେରା ହେଲା ଜେନେରିକ୍ ଏପିଥେଟ୍, ଇଣ୍ଡିକା ହେଲା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍। ତେଣୁ ଏଇ ମେଞ୍ଜିଫେରା ଜେନେରିକ୍ ଏପିଥେଟ୍କୁ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଲେଖିଛୁ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍ ଲେଖୁଛୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକମ୍ସ ସ୍ମଲ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଲେଟରଟା ଆମେ ସ୍ମଲରେ ହିଁ ଲେଖୁ। ତେଣୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଖିଛି, ହାତରେ ଲେଖିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଟାଇପ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଟାଲିକ୍ ଫର୍ମ ଥାନ୍ତା, ଇଟାଲିକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ଅଥର୍ସ ନେମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଅଥରିଟି ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେହେତୁ ଏଲ୍ ଡଟ୍ ଆଇଦର ଆବ୍ରିଭିଏଟେଡ୍ ଫର୍ମରେ ଲେଖିପାରିବେ ଅର୍ ଇନ୍ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏଲ୍ ଫର୍ ଲିନିୟସ୍। ତେଣୁ ଲିନିୟସ୍ ଯେହେତୁ ଇଏ ଆମ୍ବର ନାଁ ମାନେ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କରିଥିଲେ ଆମ୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆଉ ଅଦର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ହୁକର, ହୁକ୍ ଆମେ ଡଟ୍ ଲେଖି ଦେଇପାରିବା, ବା ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିବେ ଆଇଦର ତାକୁ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ଲେଖିପାରିବା ବା ଆବ୍ରିଭେଟେଡ୍ ଫର୍ମରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ରୋମାନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ହିଁ ଲେଖାଯିବ, ଅଥର ନେମ୍, ଅଥରର ଯେଉଁ ଆବ୍ରିଭେଟେଡ୍ ଫର୍ମ ବା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଫୁଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା। ବଟ୍ ଜେନେରିକ୍ ନେମ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ନା ଲାଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଇଣ୍ଡିକା ମାନେ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ଇଏ ଯେଉଁ ଲାଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କନ୍ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରିସାଇଜ୍ ଏବଂ ସୁଇଟ୍ ଟୁ ନିଡ଼୍ ଫର୍ ଏ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେଚୁରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବାଇନୋମିଆଲ୍ ନୋମେନକ୍ଲେଚର୍।